छिंदवाड़ा में भाजपा नेता सोनू यादव सहित उनके साथियों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परासिया के पगार मंडल अध्यक्ष और भाजीपानी सरपंच मनीष सोनू यादव और उसके साथियों पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमला जहां हुआ है, इसे कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। बताया जाता है कि मनीष यादव मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक बड़कुही में घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनके ऊपर चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में भाजपा नेता और उनके साथियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जानकारी प्राप्त हुई है कि मनीष यादव बुरा कह रहा हूँ और उसी गाड़ी में नवम गुप्त चंद्रा हो परासिया से बड़ गुप्त जा रहे थे। पेट्रोल पंप के पहले कुछ लोगों ने रोक करके उनके साथ मारपीट की है, जिनका मेडिकल परीक्षण करा कर विसंगत कार्रवाई की जाए। तो मेरे साथी भूरा गौरव को मारा, मैं अपनी जान बचा करके पेट्रोल पंप में भागा। वो मेरा पीछा करते पेट्रोल पंप तक गए। मैं पेट्रोल पंप के कैश काउंटर की कुर्सी के नीचे लुका रहा। वो तत्काल वहीं से मैंने बड़कू चौकी प्रभारी एवं एस डी ओ की परासिया को फ़ोन लगाया, पुलिस सहायता मांगी और पुलिस के द्वारा मुझे जहाँ परासिया अस्पताल लाया गया। लेकिन मेरे साथी का मुझे कोई पता नहीं है, वो अभी कहाँ है, उसे कितनी लगी ये मुझे जानकारी नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।